हमारे साथ आज पीएफ के जो यहाँ पे रीजनल कमिश्नर हैं आलसी वन श्री सुयश पांडे जी हैं, और हम सुयश पांडे जी से जानेंगे कि ईपीएफ कर्मचारियों के हितों में और एम्प्लॉयर के लिए जो नई सुविधाएं आई हैं उसके लिए क्या कर रहा है और क्या क्या सुविधाएं दे रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने चैनल में। नमस्कार। कि आप हमें यहाँ पर बताएंगे कि एक तो पीएफ क्या सुविधाएं दे रहा है, इसके अलावा अभी कुछ नई स्कीम भी आई हैं पीएफ में, लिंक्ड स्कीम है कई, और वो भी तो उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी देंगे ताकि लोगों को एक अवेयरनेस हो सके कि क्या कैसे काम कर रहा है पीएफ। धन्यवाद सत्येंद्र जी। मैं सुयश पांडे अभी नोएडा में पीएफ ऑफिस देख रहा हूँ। भारत सरकार क्या, जैसे आपको पता है ईपीएफओ के तहत तीन स्कीमों का संचालन होता है, जिसमें पीएफ स्कीम, पेंशन स्कीम और इंश्योरेंस स्कीम है, जिसमें हम मेंबर को सेवा के दौरान और सेवा के उपरांत पीएफ की सुविधाएं देते हैं, जिसमें एडवांसेस होते हैं और लास्ट में पीएफ विड्रॉल होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, या अगर कंपनी छोड़ के कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं उसमें। उसके अलावा हम लोग मेंबर पेंशन, फैमिली पेंशन और नॉमिनी पेंशन, चाइल्ड पेंशन, ऑर्फन पेंशन की सेवाएँ देते हैं। इसके अलावा अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो इंश्योरेंस के भी बेनिफिट्स हैं, जो कि पीएफ के अमाउंट से लिंक्ड रहती है, उसके लिए अलग से कोई हम लोग प्रीमियम लेते नहीं हैं। ये तो हमारा बेसिक काम हो गया। हम लोगों ने सारी चीज़ें धीरे धीरे ऑनलाइन कर दी हैं, सारे हमारे जितने भी क्लेम्स आते हैं, जो भी हमारी सेवाएं हैं, केवाईसी और जो भी अपडेशन है, सारी चीज़ें आज के दिन में ऑनलाइन है। एम्प्लॉयर के लिए भी हमने सारी चीज़ें कवरेज से लेके सारे ECR, सारे रिटर्न्स, एग्जेम्प्टेड हो चाहे अनएग्जेम्प्टेड हो, सबके लिए हमने ऑनलाइन कर दिया है। और आगे चल के हमारा ऑफिस भी पेपरलेस हो रहा है, हमने ई ऑफिस का हर जगह प्रयोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है और उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब बात आती है कर्मचारियों को जो हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। तो नोएडा में हम लोग खास करके अपना जो PRO है उसको स्ट्रॉन्ग किया है, वहाँ पे हमने एक एक्सपीरियंस सेंटर खोला है जहाँ पे सेल्फ हेल्प कियोस्क रहेगा, जहाँ पे मेंबर खुद से आके अपने जो भी EPFO की जानकारी है वो ले सकते हैं। इसके अलावा हमने टोकन सिस्टम का संचालन शुरू किया है, जहाँ पे वो घर बैठे PRO का टोकन ले सकते हैं। तो ऑफिस में आके लाइन लगने से पहले वो घर से टोकन ले लिए, उनका समय बचेगा और देश के भी इकोनॉमी में हम कुछ हेल्प कर पाएंगे। इसके साथ ही हम जो भी उनका फीडबैक रहेगा तो उनको होलिस्टिक एक हम लोग कर रहे हैं कि हमारे ऑफिस में जब वो एंटर किए और जब एग्जिट किए तो उनका फीडबैक भी ले रहे हैं, ताकि अगर उनका कार्य अगर निष्पादन ठीक से नहीं हुआ है तो हम उनसे कॉन्टैक्ट करके उनको दोबारा उस पर कार्रवाई की जा सके। इससे एक तो हम लोग अपने जो हमारी सर्विसेज हम दे रहे हैं उसमें कहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है उस पर ध्यान दे सकेंगे, और जो हमारे मेंबर्स हैं उनको भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी उस पर भी ध्यान देंगे। अब जैसे आपने बोला जो गवर्नमेंट की नई स्कीम आई है, तो जैसा आपने देखा होगा बजट में तीन स्कीमें अनाउंस की गई थी। एक थी जिसमें हम लोगों को रोज़गार बढ़ाना है, तो उसके लिए जो नए रोज़गार सृजन होंगे उसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि 15,000 का जो EPFO कंट्रीब्यूशन आता है एक महीने का, उसको 3 इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट जो है सब्सिडी के फॉर्म में देगी। दूसरा है जो नए के अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें अगर कोई अपना अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है तो उसमें भी गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देगी। और तीसरा जो है ओवरऑल अगर रोज़गार बढ़ रहा है बड़ी कंपनियों में भी मैन्युफैक्चरिंग को और बाकी नए जो जिनका पीएफ मेंबर्स बन रहे हैं उनको छोड़ के, जो पुराने मेंबर्स भी है अगर वो किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन करते हैं लेकिन कंपनी की ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बन रही है, तो कंपनी को भी गवर्नमेंट जो नियोक्ताओं को है उनको भी बेनिफिट दे रही है। तो तीनों तरह के बेनिफिट है और कोशिश की जा रही है कि इसको हम लोग 25 दिसंबर के आसपास से इम्प्लीमेंट करें, और इस पर नेशनल स्तर पर श्रम मंत्रालय, श्रम मंत्री और लेबर सेक्रेटरी द्वारा अन्य विभागों से सबसे इसकी जानकारी दी जा रही है, और बहुत ही अच्छी मात्रा में कंसल्टेशंस किए जा रहे हैं, स्पेशली ऑफिस जो भी एम्प्लॉयर एसोसिएशन है, यूनियन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, ताकि इसमें सब एक स्मूथ हम लोग जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सके। इसी चरण में हमने अपने नोएडा ऑफिस में भी 2 बार मीटिंगें की, जिसमें एम्प्लॉयर एसोसिएशन को और यूनियंस को इन्वाइट किया गया है। 6 तारीख और 17 तारीख को इस महीने में ये मीटिंग हुई थी, जिसमें कई सारे पॉइंट्स निकल कर सामने आए। तो आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप भी अगर कुछ लगता है तो इस स्कीम का हम आपको एक जो ब्रीफ ओवरव्यू है वो आप इसको रख सकते हैं अपने साथ,
और इसमें जो भी आपको इसमें इम्प्रूवमेंट्स बताने हैं जो जिससे एक एम्प्लॉयर को भी कोई असुविधा ना हो और मेंबर को भी उसकी सारी चीज़ें जो भी उनको बेनिफिट्स हैं वो एक सीमलेस फैशन में प्राप्त हो, उसके लिए आप जो भी अपना सजेशंस या इम्प्रूवमेंट का जो भी दे सकते हैं वो आप नोएडा ऑफिस को आप दे सकते हैं। ईमेल आईडी इसमें दी हुई है, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इस स्कीम को लॉन्च किया जाए। अभी मतलब ये स्कीम अभी एक तरह से इसमें लोगों से जानकारी कलेक्ट करके उस पर सुधार करने की अभी स्कीम हम लोग की बनी नहीं है। अभी हम लोग ने विजन बताया है कि हमें क्या करना है, एग्जैक्ट डिटेल्स अभी इसकी आएंगी जिसको फिर से सर्कुलेट किया जाएगा ड्राफ्ट फाइनल से पहले, तो लॉन्च करने का टाइम प्रोबेबली दिसंबर एंड में, दिसंबर जो अभी प्रोबेबली है, लेट अस सी। और जैसा होगा ताकि सबको कम से कम असुविधा हो और जो भी गवर्नमेंट का ध्येय है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग की तरफ पहुँच सके और बेनिफिट दे सके जिससे भारत में रोजगार का सृजन हो। रविंद्र जी आप बताइएगा कि जो निधि आपके निकट है, निधि आपके निकट का क्या मकसद है, इससे क्या मतलब एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट है और एम्प्लॉई को भी बेनिफिट है, तो किस तरह से बेनिफिट है? आज भी हम निधि आपके निकट में बैठे हुए हैं, तो क्या आप किस एक्चुअली निधि आपके निकट का जो प्रयोजन है वो ये है कि हम इंडस्ट्रियल जो क्लस्टर है या जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके पास जा कर के उन लोगों की ग्रीवांस को सुने, उन लोगों की समस्याओं को सुने और तत्काल उनका निवारण करें। उसका जो उसके जो पीछे प्रयोजन है वो ये है कि हम ऑफिस से बाहर निकल करके उनके एम्प्लॉयज के बीच जा करके उनका सॉल्यूशन दें, उनको जानकारी दें, उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करें। तो इसी उसमें हम लोग जो हर महीने की 27 तारीख को निधि आपके निकट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और जनरली ये बड़ी इंडस्ट्रीज में या जहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसमें आप किस तरह की समस्याओं, जैसे तमाम पीएफ की विड्रॉल की भी समस्याएं होती हैं, तमाम डेथ केसेस होते हैं और किसी भी तरह की समस्या लेके आदमी आ सकता है उसके अपने निदान? बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी तरह की समस्या। और हमारा प्रयास होता है कि सेम डे उसको करें, सेम डे नहीं हो पा रहा है तो 3 दिन के अंदर करें। और हमारे क्षेत्रीय आयुक्त का निर्देश है कि उसको हर हाल में करना ही है, उसको पेंडिंग छोड़ना नहीं, प्रायोरिटी पर करना है। तो इस तरह की जो इसका एम्प्लॉयज को बेनिफिट है, एम्प्लॉयर को भी इसका लाभ है। चूँकि एम्प्लॉय की अगर कोई समस्या होती है तो एम्प्लॉय सबसे पहले अपने एचआर के पास जाता है, अपने एम्प्लॉयर के पास जाता है कि साहब मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो काम नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में अगर उसका इंडस्ट्री में जा कर के वहाँ काम होगा तो एम्प्लॉय खुश होगा, एम्प्लॉयर को भी लगता है नहीं भाई मेरे लिए कुछ हो रहा है, तो इसकी एम्प्लॉयर भी खुश है और एम्प्लॉय भी खुश है। तो आप मतलब दोनों को बीच की कड़ी आप बन के दोनों को मतलब संतुष्ट करने का काम प्रयास के माध्यम से आप जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया इसके लिए बहुत बहुत।